देखा ये दासी के कान में सिर्फ एक ही बाली थी, तभी हमें पता लग गया कि हो ना वो एक दासी विष का लिया है। अरे वाह, शौर्य और बुद्धि चातुर्य दोनों ही गुण हैं आप तो बिल्कुल अपने दाजी राज पे गए। जब मैं छोटे थे तो ऐसे ही थे। तो बताइए हमें दाजी राज के बचपन का कोई वीर भरा समय और? अमर सिंह जी फिर कभी सुनाए। नहीं छोटी माँ बताइए ना। जब आपके दाजी राज छोटे थे तो उन्होंने अफगानों को हराया था, और पता है आपको उन्होंने मुगलों को भी धूल चटा दी। तो बताइए ना छोटी माँ दाजी आज हमारे साथ ऐसे दोहरे और मापदंड क्यों अपनाते हैं? नहीं नहीं अमर सिंह जी ऐसा नहीं बोलते। भला मैं सब क्यों ना बोले, वे हमने बचपन में क्या कुछ नहीं कर लिया, और जब हमारी बारी आती है हमें हमेशा रोक लेते हैं। हमने कहा कि अगर युद्ध में नहीं तो कम से कम मुगल प्रतिनिधि मंडल से तो मिल लेने दीजिए, पर नहीं। ठीक है अमर सिंह जी, हम आपके दाजी राज से बात करेंगे। हम कहेंगे उनसे कि हमारे अमर सिंह जी महान शूरवीर है, उन्हें अस्त्र धारण करने दे और युद्ध में भी जाने दे। पर दाजीराज आपकी बातें भी ऐसी ही सुनते हैं जैसे मक्की सुनते हैं। ये अजब देवी ना, इसकी बुद्धि। क्या हुआ छोटी माँ? क्यों नहीं, वो हमारी बात भी सुनेंगे। चलिए आइए। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उत्तेजना इतनी है कि संभाले नहीं संभाल रहे। इस हाथी को लेकर मन ऐसा उत्तेजित है कि सब कुछ बदलेगा, हमारे सपने जगमाल के सपने सब सफल होंगे। खम्मा घनी मासा, हमारी प्यारी बेटी मान आप यहाँ कैसे हैं आप दोनों? हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, बस हम यहाँ आकर अचानक चकित करना चाहते थे आपको। चकित हो गए हैं हम मान। स्वास्थ्य तो ठीक है ना आपका? हमारे स्वास्थ्य को क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। लगता है अचानक हमारा यूं यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। फिर कर दी ना मूर्खतापूर्ण बातें, क्यों ऐसा सोचती हैं? आपका आना हमें क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हम बहुत प्रसन्न है कि आप आई हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पता नहीं आपके बोलने के ढंग से तो ऐसा नहीं लगता। वैसे आप बुरा मत मानना, हम यहाँ आपके लिए नहीं आए हैं। हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि आपका सारा स्नेह आपका सारा प्रेम बस भाई जगमाल के लिए ही होता है, इसलिए हम आपके लिए नहीं अजबदे भाविसा के लिए यहाँ आए हैं। हम जानते हैं, चाहिए आप अजबदे के पास चाहिए। एक किसी तरह ये अभियान असफल हो जाए। अरे हमारे कुंवर साहब पधारने वाले हैं मेवाड़ के, अपने महाराणा साहब बाजीराज बनने वाले। उदयपुर बसने के बाद राजघराने में पहली बार नया सदस्य आ रहा है। अमर सिंह जी अब आपके पास अधिक समय नहीं है। किस बात के लिए छोटी माँ? आपके आने वाले छोटे भाई को उपहार देने के लिए। आप सोच लीजिए कि आप क्या उपहार देंगे उनको। और छोटी माँ हमें बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? यही
के ऊपर इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि छोटा भाई आएगा? बहन क्यों नहीं हो सकती? हमें तो बहनें बहुत अच्छी लगती है, वो राखी बांधती है, तिलक करती है। हाय अजब दे, देखिए तो हमारे अमर सिंह जी को कैसे हमारा एक शूरवीर कम कर रही है। हम तो यही चाहते हैं कि अमर सिंह जी की मन की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि जब बाप और बेटे दोनों युद्ध करने जाएंगे हमारे पास भी तो कोई होना चाहिए ना हमारा ध्यान रखने के लिए। नहीं नहीं, कोई हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा अमर सिंह जी की बातों में। लड़का ही होना चाहिए। क्यों बड़ी बुआ? क्योंकि लड़कियों को घर से विदा होना पड़ता है और विदा होने के बाद कोई उन्हें याद ही नहीं करता। क्या अजब भाभी सा, आप तो ऐसे ना थी। अरे नहीं नहीं, हम भला आपको कैसे भूल सकते हैं। तो आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जानते हैं कि आप शालिवान जी से कितना प्रेम करती हैं और शालिवान जी आपके बिना क्षण भी नहीं रह सकते, बस इसीलिए। इस हालत में अगर बहाने को इतना लंबा खींचेंगी तो पेट में लात मारेगा हमारा भतीजा आपको। नहीं नहीं, हमें पता था कि जन्म पे तो आप दोनों को आना ही था, इसलिए आप तो जानती हैं नमान हमारी अजब देखो, सबका ध्यान रखने में इतनी आगे निकल जाती है कि कभी अपनों को भूल जाती है तो कभी अपने आप को। क्षमा कर दीजिए हमें। अरे हमसे भूल हो गई, परंतु सच यहाँ पर आके आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। अब जीजा जीवन भर भाभी सा का सर खाएंगी। जान मारेंगे हम आपको। हाँ, मारा मारी का काम तो शूरवीरों का होता है, इसलिए तो शालिवान जीजा जी बटाएंगे दादा भाई का हाथ युद्ध की तैयारियों में। फिर हम फूल और भाभी सा के साथ मिलकर चांद के अत्याचारों से बचाएंगे। किंतु इसमें दो सुधार है। पहला ये कि अब युद्ध नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका विस्तार से विवेचन हम राणा जी से ले लेंगे। और दूसरा सुधार ये है कि आपकी ये सहेली अब छोटी भाभी सा बन गई है। अच्छा अच्छा, तो आपने वो सब कर ही डाला जो हम बचपन से करना चाहती थी। अरे अजब दे, आप हमें बचाए इनके अत्याचार से। भूल, अब इस हालत में हम आपसे क्या कहेंगे? और वैसे भी ये राजपूतों का घर है, यहाँ युद्ध नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा भाभी सा, आप यहाँ बैठकर ढोल ही बजाएंगी या हमें भतीजे भतीजी भी देंगी? सीखिए सीखिए अजब दे, भाभी से कुछ सीखिए। हमारी गोद भरे के अजब दे, बात तो एक ही है ना। अरे ऐसे कैसे, सबको अपनी अपनी मेहनत करनी ही पड़ती है। शहंशाह, हमें अभी अभी समाचार मिला कि प्रताप की रानी अजबदे फिर से माँ बनने वाली है। देखिए, इसलिए हमने उनके लिए प्यारा सा पालना मंगवाया, उनके होने वाली संतान के लिए उपहार स्वरूप। क्या बात है शहंशाह, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हम सिर्फ आपके लिए परेशान नहीं रहे, हम डर रहे हैं कि जो खुलूस और मोहब्बत आप प्रताप और उसके खानदान के लिए महसूस करती हैं, हमें नहीं लगता है उनकी तरफ से आपको मिलने वाला है
ऐसा कोई माकूल जवाब। क्या? जी, प्रताप ने ठुकरा दिया हमारी अमन के करार वाली तजवीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शहंशाह। आप चाहें तो खुद पूछ सकती हैं अपने भतीजे मान सिंह से मामले के तमाम तफसीलात। पहुंचने वाले हैं वो आगरा। होने वाली अफसोस की बात तो ये है कि प्रताप शिरकत तक नहीं करने आया अमन के होने वाली इस बैठक में। हे भगवान, प्रताप ने ऐसा किया? जी, हीर सिर्फ आपके कहने पर, सिर्फ आपके कहने पर पहली बार हमने अमन के लिए इस पैगाम को और मुकम्मल तजवीजों के साथ अपने लोगों को भेजा। सिर्फ पहली बार आपके कहने पर शहंशाह हिंद ने इस कदर किसी पर दरियादली दिखाई है और नतीजा प्रताप के मुआहदे के लिए भेजा हमारा सियासी करार नाम है और आपके खुलूस और मोहब्बत से लबरेज इल्तजा दोनों को ठुकरा दिया उसने। इस बार तो सिर्फ आपके कहने पर हमने बेइज्जती का जहर पी लिया है पर अब आप कसम खाइए, कसम खाइए कि फिर कभी हमारी औलाद के नाम पे हमें मजबूर नहीं करेंगे ऐसा कोई काम करने के लिए। हम खुद से नजर नहीं मिला पा रहे, आप कसम खाइए। ही बस इज्जत बचाने की सिर्फ एक ही बात है जो इस तमाम मुहिम में बची है और वो ये है कि आपके भेजे हुए तोहफे को प्रताप ने कबूल कर लिया। हो सकता है कितने बड़े और नायाब तोहफे को देखकर मुमकिन ना लगा उसे इसको मना करना। अब कोई उम्मीद अगर बची है तो फकत इस तोहफे से ही बची है। आपको अभी भी प्रताप से शांति की आशा है? नहीं नहीं, हमें तो उम्मीद है तो फिर जंग की। जीजा, आपके लिए वहाँ कोने वाला कक्ष निर्धारित किया है भाभी सा ने, ताकि आपके निजी क्षणों में कोई व्यवधान ना डाले। देख रहे हैं आप कितनी समझदार हो गई है हमारी चांद। हाँ, बच्ची नहीं रहे अब, बड़ी हो गई है हमारी साली साहिबा। बस आप ही को दिखता है हमारे गुण जीजा जी, वरना जीजा को तो अब भी हम छोटी सी बच्ची लगते हैं। तो देखा आपने क्या कह रही है हमारी साली जी। अरे अरे, क्या कर रही है? अभी तो चांद ने कहा ये बड़ी हो गई है। इसीलिए तो जीजा उन्होंने आपके गले में हाथ डाला ना कि हमारे। अच्छा शुभ रात्रि। तो हम भी चलें? अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। अच्छा, फिर देख लेने दीजिए। ये कुछ तो शर्म कीजिए। अरे क्या शर्माना, ब्याह कर लाए हैं आपको। जा रहे हैं? जी हाँ, यहाँ फिर से लौटने के लिए। अरे आप सोए नहीं अभी तक? बस सोने जा रहे थे। एक बात पूछे आपसे। क्या भाभी साहब? चांद, आप
के मन में जो भी बात है ना, उसे बाहर निकाली। यदि आपने उसे बाहर नहीं निकाला तो कोई कैसे जान पाएगा कि आपके मन में क्या बात है? किसकी बात कर रही हैं आप भाभी साहब? आप जानती हैं हम किसकी बातें कर रहे हैं। जो भी आपके मन में है उसे कह डालिए। भाभी साहब, आप हमारे मन की हर बात जानती हैं। वही तो समस्या है कि हम आपके मन की हर बात जानते हैं। धीरे बोलिए भाभी साहब, अगर दादा भाई ने सुन लिया तो। वही तो, देखिए आपके दादा भाई को जानना बहुत आवश्यक है। कह दीजिए उनसे अपने मन की बात। अरे भाभी साहब, आप हमें ऐसे डराइए मत। जब तक आपके दादा भाई आपकी वो वाली बात नहीं जानेंगे, तब तक आपके हाथ पीले कैसे होंगे? हम बात करें आपकी इच्छा अनुसार। अच्छा भाभी साहब, आप जीती हम हारे, तो बता दे आपके दादा भाई को। लेकिन संभाल के बताइएगा भाभी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि ये बात सुनकर उनकी तलवार म्यान से निकल जाए और कहीं हमारी गर्दनी ना काट दे वो। जब आपके दादा भाई की बहन ऐसे चांद जैसी हो तो वो कैसे तलवार निकाल सकते हैं? अच्छा भाभी साहब, आप कर लीजिए बात। ठीक है, जैसे ही हमें अवसर मिलेगा ना, आपकी गुप्त वाली बात आपके दादा भाई से करेंगे। ठीक है, हाथी भी लकड़ी का इंसानी गोश होता तो कितना मजा आता। अच्छा है जो लकड़ी का है सरदार, इंसानी गोश का होता तो अब तक हम चटनी कर जाते। आलम बना की खास मुहिम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी की भी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा साहिल घोड़ा है, ये इन्हें नहाते ही जा रहा है, इन्हें नहाते ही जा रहा है। अमर सिंह जी, जी माँ, आपका भाई, हमने तो आपको देखा ही नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप हमें देखें। इतना एकाग्रित होकर कर रहे थे आप अपना अभ्यास, कैसे आपका ध्यान भंग करते हम। वैसे हमें ये बताइए कि कब से चल रहा है आपका ये गुप्त शास्त्र अभ्यास? माँ, अब आपको क्या पता है? मैं तो योजना ही थी गुप्तवाद, पर जब आपको पता चल गया तो भला हम आपसे क्यों छुपाए? माँ, जब से हमें पता चला कि हमारी बहन आ रही है ना, हमने उसी दिन से शास्त्र अभ्यास और माल अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्यों? क्या क्यों? हम दादा भाई बनने वाले हैं उनके, और हमारी बहन का दादा भाई निर्बल कैसे हो सकता है? हम तो इनके लिए कैसा दादा भाई बनना चाहते हैं जिसपे उन्हें गर्व हो। और इसके लिए हमें थोड़ा श्रम तो करना पड़ेगा ना। वाह अमर सिंह जी वाह, जो अब तक इस संसार में आई भी नहीं है उसके लिए आपके पास इतना समय है, और जो दिन भर आपके बारे में सोचती रहती है, आपकी प्रतीक्षा करती है, उस माँ के पास आपके लिए बिल्कुल समय नहीं। अब आप हमें रुलाएंगे क्या? नहीं अमर सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो आप ऐसी बात क्यों करती माँ? हमारे पास आपके लिए समय कैसे नहीं हो सकता? हमने तो सब कुछ आप ही से सीखा है। हमारा सुबह शुरू होता है आपके झटके से, और रात आपके सुलाने वाले वीर गाथाओं से। हमारे पास जो कुछ भी है वो तो आप ही का है।
इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमसे कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे आपको हमारे ऊपर बहुत गर्व हो। ऐसा गर्व जैसे बड़ी दादी माँ को दाजीराज पे। हम तो हर क्षण ऐसा प्रयास करते हैं आपको ऐसा अनुभव दिलाने के लिए, पर पता नहीं इसका फल कब मिलेगा। अमर सिंह जी, आप अवश्य ही ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हमें आप पर गर्व होता है। क्या बात है माँ? हमें स्वयं नहीं पता अमर सिंह जी कि बात क्या है। पता नहीं क्यों आज आप पर हमें अत्यंत प्रेम हो रहा है। जी कर रहा है कि आपको बस अपने सीने से लगा ले, एक पल के लिए भी आपको हमसे अलग ना होने दे। माँ, बोले हम आपको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? इसको लेके जाओ, ये भिदक क्यों रहा है? राणा जी को सूचना दे देते हैं, ये तक भिदक गया है। इतना हिनहिना क्यों रहा है ये? पता नहीं क्या कहना चाहता है ये। अगर छोटी छोटी बातों के लिए राणा जी को परेशान करेंगे तो राजकाज कैसे करेंगे? अरे इस साल आती को देखकर डर रहा है। हमसे पूछो, एक काम करो, इसको इसकी घोड़ी के साथ बांध दो, अभी शांत हो जाएगा। अपना अनुभव कितक में क्यों खोप रहे हो? ये घोड़ा कभी हाथी से डरते है क्या? मानव है क्या? ये वरिष्ठ कौन है? आप हो, तो बांध दो चुपचाप इसको इसकी घोड़ी के साथ। चलो चल, यहाँ केवल चेतक ही नहीं, हम भी उद्विग्न हैं। नहीं सहन हो रहा हमसे ये उत्सव, ये खुशियाँ। राणा प्रताप, जितनी पीड़ा आपने हमें दी है उससे कहीं अधिक पीड़ा हम आपको देंगे। अब और नहीं होती प्रतीक्षा उस सुखदायी क्षण की। राणा जी, जी आज पहली बार हमें बहुत प्रसन्नता और खुशी महसूस हो रही है। अजब दे, भविष्य में आपको ऐसे और कई अवसर देंगे जब आपको ऐसी प्रसन्नता और इससे अधिक प्रसन्नता हमसे अनुभव होगी। भविष्य का पता नहीं हमें, परंतु हाँ आज तक आपने हमें जितना भी सुख दिया है वो किसी भाग्यशाली स्त्री को भी नहीं मिला होगा। आप ऐसी दार्शनिक बातें क्यों कर रही हैं? क्या आप गृहस्थ जीवन से उग चुकी हैं? नहीं, नहीं, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ठीक है, संसार भर की सारी खुशियां आपके चरणों में लाके रख देंगे। कौन विश्वास करेगा कि राणा प्रताप जैसे शूरवीर भी ऐसी प्रेम भरी बातें कर सकते हैं? पर क्यों नहीं, शूरवीर प्रेम भरी बातें क्यों नहीं कर सकते? सचमुच अजबदे, हर रात सोने से पहले हमारे मन में यही विचार आता है जो हमें इतना उद्वेलित करता है कि आपने हमें इतना कुछ दिया, प्रेम, सम्मान, इतना कुछ, और बदले में हम आपको इतना कम दे पाए। फिर भी आपकी ओर से ना ही कोई शिकायत, ना ही कोई उलाहना, हमारे प्रति कुछ भी नहीं। अरे वाह, राणा जी सोने से पहले हमारे बारे में सोचते हैं, इससे अधिक हम क्या मांग सकते हैं? लेकिन शब्दों के खेल में आपसे जीतना अत्यधिक कठिन है, हम जानते हैं, किंतु आज हम आपको सरलता से जीतने नहीं देंगे। जो भी आपके मन में है मांगिए, अपने होने वाली संतान की प्रसन्नता में जो भी मांगना है मांगिए, खुलकर मांगिए, हम सब देंगे आपको। ठीक है, आप कहते हैं तो हम दो बातें मांगते हैं आपसे। अभी तो कुछ नहीं कह रही थी, अभी दो बातें। इसे कहते हैं भीषण गति वाला विकास। अरे हम प्रयास कर रहे थे, मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? सबसे पहले तो चांद का विवाह करवा दीजिए, अभी बड़ी हो चुकी है, उचित समय है उनका, देख नहीं रहे आप? चांद तो अभी बहुत छोटी है, उसका विवाह
कुछ और समय नहीं रह सकती हमारे साथ? नहीं राणा जी, हर बात का एक उचित समय होता है, और अब उनका समय हो चुका है कि वे इस घर से चली जाए। वे कहीं और प्रसन्न रहेंगी। कहाँ प्रसन्न रहेंगी? जब आप विश्राम करेंगे ना, तब इस विषय पर सोचना, आपको आपके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, सोचेंगे। अब आपकी दूसरी मांग। आप जानते हैं इस विषय पर हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं राणा जी, और जब आपने अभी बात बोली थी तो मान जाइए ना। हम फिर से उस विषय पर बात नहीं करेंगे अजबद। राणा जी क्यों हट कर रहे हैं आप? फूल का भी तो उतना ही अधिकार है ना आप पर, उसे भी तो सुख मिलना चाहिए ना। उसे अपना अधिकार ना देकर आप उस पर कितना अन्याय कर रहे हैं पता है आपको? राणा जी आपको हमारी भावनाओं के लिए अगर डर लग रहा हो तो हम आपको बता दें कि इससे अधिक प्रेम और आप हमें क्या दे सकते हैं। मान लीजिए हमारी बात। हमने कहा ना आपसे हम उस विषय पर बात नहीं करना चाहते। उत्सव के बाद महल के पीछे बहुत कचरा जम गया। सफाई कर्मी कल सवेरे तक आएंगे। यदि रात भर कचरा वहीं पड़ा रहा तो आप सब तो जानते हैं ना कि राणा प्रताप स्वच्छता को लेकर कितने जागरूक हैं। यदि सवेरे से पहले उनकी दृष्टि में आ गया ना ये सब कुछ तो आप जानते हैं कि वे कितने क्रोधित हो जाएंगे। जी अभी कचरा साफ करवा देता हूँ, चलो। आप लोग भी जाइए। अकबर ने शांति संधि के लिए उपहार के तौर पर यह हाथी भेजा है, तो फिर युद्ध की मानसिकता लेकर यहाँ क्यों खड़े हैं इतने अकड़ कर? जाइए आप लोग। अच्छा समझ गए, आपके पद के अनुरूप छोटा काम है ना ये। कोई बात नहीं, हम जाकर उनका हाथ बता देते हैं। नहीं नहीं राजमाता, हमें और लज्जित ना करे, हम जा रहे हैं, चलो। अभी अभी आप ही ने तो हमसे कहा ना कि हम जो भी मांगेंगे आपसे आप हमें वो देंगे। भूल हो गई हमारी, भूल हो गई, हमसे क्षमा कर दीजिए अजबद। संभवतः ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और आप जानती हैं हमारी भूल क्या थी? कि हमने आपको जीवन भर का प्रेम दे दिया, तो अब आप उस प्रेम को बांटना चाहती हैं, छाटना चाहती हैं, काटना चाहती हैं संसार के साथ। नहीं राणा जी ऐसी बात नहीं है। हमने कब कहा कि आप फूल से प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम कम हो जाएगा? और हमने नहीं कहा ना आपसे कि आप हमसे प्रेम करना बंद कर दीजिए? अजबद हम जो करते हैं
जो भी कार्य एकाग्रचित होकर करते हैं। बहुत हो गया प्रेम आलाप, बस हमें इस विषय पर बात नहीं करनी। राणा जी हमारी बात सुनिए, ये तो फिर रूठ गए। अजब दे, ठीक जैसे गगन में चंद्रमा, शांत सुंदर सुशील अमृत सा प्रकाशवान प्रतीत हो रहा है, जैसे उसे होना चाहिए, ना कम ना अधिक। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में आप उस गगन के चांद की भांति शांत सुंदर कोमल अमृत सी प्रकाशवान प्रतीत होते हैं, ना कम ना अधिक, ठीक जैसे आपको होना चाहिए। उस चंद्रमा के बिना गगन कुछ भी नहीं, ठीक उसी प्रकार हम भी आपके बिना कुछ भी नहीं। कितने अधूरे हैं हम आपके बिना। अजब दे, आप चाहे हमें जितना भी दूर ढकेलने का प्रयास क्यों ना करें, किंतु नहीं नहीं आ जाते, हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो चेतक ही निर्णय की आवाज है। चेतक को क्या हुआ, इतना ही निराश क्यों रहा है? ये चेतक इतना ही निराश क्यों रहा है? लगता है ये लकड़ी के हाथी से डर गया है। लकड़ी के हाथी से? नहीं नहीं, चेतक बहुत साहसी है, हम आकर देखते। जी युद्ध की संभावनाएं खिन्न होते ही ऐसे शिथिल हो जाएंगे आप सब।
चाहे युद्ध का मैदान हो या राजमहल की सुरक्षा, हमें हमेशा सजग रहना होगा। राजमहल के हर सुरक्षा कर्मी को हर समय युद्ध के मैदान जैसे सजग रहना होता है। आसपास तो सबको सजग दृष्टि रखनी ही है और एक दूसरे पे भी आप सबको कड़ी दृष्टि रखनी है। हम आते हैं अभी अग्रिम सुरक्षा चक्र का निरीक्षण करके। आप लोगों को थोड़ी छूट दी नहीं कि हो जाते हैं शिथिल। ऐसे होती है राजमहल की सुरक्षा। सारा राज परिवार रहता है। राणा प्रताप का भी कक्ष आगे ही है, ऊपर की ओर। जरा ध्यान रखना, सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने चुंडावच्ची आते जाते रहते हैं। अजबद से कहिए हम नीचे जा रहे हैं, कुछ ही क्षणों में लौटेंगे। जी। अब आएगा शिकार करने का मजा। जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शिकार खुद पे खुद चल के जा रहा है। इस समय कुछ भी नहीं, इस समय कुंवर प्रताप जागे हुए हैं, इसलिए उनके सभी सुरक्षा कर्मी इस समय सजग होंगे। उनके कई सारे निजी सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर छतराए हुए हैं। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे सारी बात बिगड़ जाए। मोहतरमा, जानती नहीं है आप हमें, चाहे जितने भी हिफाजती सिपाही हो, हम उनको कच्चा चबा जाएंगे। शहंशाह ने स्पष्ट फरमान दिया है कि जैसा हम कहेंगे आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। छोटी माँ, आप सोई नहीं? नहीं कुंवर प्रताप, वो उत्सव के बाद कचरा इतना फैला था, उसी को साफ करवा रहे थे हम, वही सामान्य काम। छोटी माँ चिंता मत कीजिए, अजब दे है ना, वो सब संभाल लेंगे। नहीं नहीं, इस हालत में तो उन्हें विश्राम करना चाहिए। वो क्या है कि जीजा की बातें ध्यान नहीं लगा पाते पूजा पाठ में, तो काम करके ही अपना मन लगा लेते। आप चिंता मत कीजिए, आप विश्राम करें जाए। ठीक है, शुभरात्रि। शुभरात्रि। अम्मा गणी राणा जी, कहाँ जा रहे हैं आप?
अश्वशाला जा रहे हैं चेतक से मिलने। सैनिको चुंडावा जी, हम मानते हैं कि स्थितियां तनावग्रस्त है, किंतु अपने ही महल में हमें सुरक्षा चक्र की कोई आवश्यकता नहीं। राणा जी, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कर लेने दीजिए हमें हमारा काम नियमानुसार। यदि आप इसमें भी बीच में पड़ेंगे तो फिर ठीक है। आइए। चेतक, चेतक शांत हो जाइए, चेतक शांत हो जाइए। हम जानते हैं सब आपके साथ परिहास कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आपको उस लकड़ी के हाथी से भय लग रहा है। आप साधारण अश्व नहीं है, आप चेतक हैं, आप हमारे चेतक हैं। आपको अपने नाम का, आप अपना नहीं किंतु हमारे सम्मान का तो आप ध्यान रखिए। आप चेतक हमारी बात सुनिए, आप चेतक शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बस बहुत हुआ, बस चेतक अब आप पिता बन चुके हैं, क्या कहेंगे आपके पुत्र कि आप एक शूरवीर अश्व नहीं है। बस शांत हो जाइए। देखिए मध्य रात्रि आप यूं इस तरह हिनहिनाएंगे तो सबकी निद्रा भंग हो जाएगी। इनका ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप अश्वशाला गए, वहां कोई सुरक्षाकर्मी नहीं होता, इसलिए आप लोगों का काम सरलता से हो जाएगा। जाइए, सुनिए, हमारा काम यहीं तक का था, हम अपने कक्ष विश्राम करने जा रहे हैं, आप लोग अपना काम पूरा कीजिएगा। इंशाल्लाह। कल सुबह का सूरज देखने के साथ साथ हम राणा प्रताप की मृत्यु भी देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह। कल सुबह का प्रताप के मार्ग को मनाने के लिए आपका तैयार रहेगा। चले गए महल के इस हिस्से के सारे सुरक्षाकर्मी। महल के इस भाग में कीचड़ सने पाव के निशान किसका है? दुस्साहस है। कौन है? जो भी सामने दिखे उसे जान से मार दो, जिसने भी हमें जिंदा देखा है उसे जिंदा मत छोड़ना।
अस्तबल में नहीं है प्रताप। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने अपनी आंखों से खंगाला है पूरा अस्तबल, कहीं नहीं है प्रताप। लगता है वो वापस लौट रहा है अपने आराम गाह में। चेतक ने हिनहिनाना क्यों बंद कर दिया? चेतक चुपचाप खड़ा है। एक लिंचे कहीं ऐसा तो नहीं कि फैजल के पहुंचने से पहले प्रताप वहां से निकल गए? अरे कुंवर साहब, आप यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? मैं नींद ही नहीं आ रही है। आपको पता है दादी राज और माँ का? महारानी साहब के कक्ष में होनी चाहिए वे तो। ठीक है, हम आपको वहाँ तक छोड़ दें। जी नहीं, आप बच्चे नहीं है। धन्यवाद। अमर सिंह जी, कितनी रात गए आप अपने कक्ष के बाहर? क्या कर रहे हैं? सोए क्यों नहीं अब तक? दादी राज, हम क्या करते, हमें नींद ही नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो क्या यूं इस प्रकार भटकने से आपको नींद आ जाएगी? जी नहीं, हम माँ के पास जा रहे थे, वही सुनाती है ना हमें सुलाने वाले वीर का था। नहीं, उन्हें विश्राम करने दीजिए। हम है ना, आप सुनाएंगे हमें वीर का था? क्यों नहीं, हम सुनाएंगे आपको वीर गाथाएं। ठीक है, चलिए आइए, आज हम आपको सुनाएंगे शूरवीर गाथाएं। ऐसी गाथाएं जो आपने आज तक सुनी ना। अच्छा, कौन सी गाथाएं सुनाएंगे आप? कौन सी गाथाएं? कौन हो तुम लोग? ताजा गर्मा गर्म खून। कहाँ गया ये प्रताप? हमें तो लगा था कि वे परिहास से बाहर निकले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच गुस्सा हो गए वे? परंतु हमने गलत ही क्या कहा? रानी माँ भी तो हमसे यही कहकर गई थी कि फूल का ध्यान रखना, उनके अधिकारों का ध्यान रखना, और यदि उन्हें हमारी बात अच्छी भी नहीं लगी तो इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? जानते हैं ना वे कि हम किस हालत में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा जी ने हमारी बात मान ली और वे फूल के कक्ष में चले गए? इतनी रात गए कौन हो सकता? चुपते आप सो ही नहीं अब तक? आप हमसे ये पूछने आई थी? हाँ नहीं, वो हम देखने आए थे कि राणा जी है क्या। हाँ, किंतु आपको कैसे पता चला कि आज वो यहाँ है हमारे कक्ष में? हम तो चाहते ही थे कि आप क्या चाहती रहती है हम जानते हैं। जब अब चलिए मिल लीजिए उनसे, नहीं तो बुरा मान जाएंगे हमारे राणा जी। आइए। नहीं नहीं फूल, इस समय भीतर आना ठीक नहीं होगा, हम चलते हैं। अरे क्यों नहीं आना चाहिए? चलिए आइए, मिल लीजिए। फूल सुनिए, ये रहे हमारे राणा जी। अच्छे लगे तो कहिए खम्मा गनी, क्या हुआ? ओ हाँ, इससे पहले कि आप कुछ उल्टा पुल्टा सोचे जिसमें कि आप पारंगत हैं, हम आपको बता दें कि इस बार ये चित्राम हम अमर सिंह जी के लिए बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं?
क्योंकि हमारा पहला वाला उनका दिया हुआ चित्रा अब वहां से उठाकर अपने कक्ष में ले जा चुकी है। ओ, हमें क्षमा कर दीजिए फूल, यू ही अचानक आपके कक्ष में बनाइए आप चित्रा बनाइए। छोड़ दीजिए प्रयास करना अजबद, थक चुके हैं हम आपको समझा समझा। इस समय हम आपके आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में अधिक सोच रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोच रहे और ना सोचना चाहते। हमें क्षमा कर दीजिए फूल, अब क्षमा मांग के हमें छोटा मत बनाइए जब थे। हम जानते हैं आप हमारे भले के लिए ये सब करती हैं। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रयास था, अब जब होना होगा अपने आप हो जाएगा। ये हुई ना एक समझदार सखी वाली बात, अब आप अपने कक्ष में जाके आराम से विश्राम कीजिए और राणा जी को बेझिझक आपके पास आकर जो मतलब वो जो चाहते हैं करने दीजिए। है एक बात कहे फूल। अमर सिंह जी, आपकी मासा, उन्होंने बिजोलिया को केवल एक न्यायपूर्ण शासन ही नहीं दिया, बल्कि जब भी अफगानों ने बिजोलिया पर आक्रमण किया, उसे घेर लिया, तो एक शेरनी की भांति वे बड़े ही निर्भीकता से निडरता पूर्वक उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और उन अफगानों का सामना किया। वे उन अफगानों से भिड़ गई, उन अफगानों से और हमसे भी। आज तक लोगों ने आपको आपकी भारी सुंदरता की वजह से पहचाना है, परंतु जब उन्हें यह पता चलेगा कि आपके सोने जैसा मन इस काया से भी अधिक सुंदर है तो देखना सब पागल हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है, इसीलिए ना हम हमारे मन को छुपा कर रखते हैं। अगर सबके सब पागल हो गए तो किस किस को संभालेंगे हमारे राणा जी। हम आते हैं। गणी हुकुम। गणी खमा। महारानी साहब को ढूंढ रही है। ठीक है। रुक जाइए, प्रताप यहां नहीं है। यदि प्रताप के पहले आपने अमर सिंह को मार दिया तो सारे सुरक्षा कर्मियों का ध्यान आप पर पड़ जाएगा। प्रताप अपने कक्ष में होंगे, वहां जाइए, सबसे अधिक उनके मिलने की संभावना वही है। Thank you.
राणा जी आ जाते तुम्हारा नरम गोश बेहद लहज होगा राणा जी। नरम नाज़नीन का आदम गोश और वो भी ताजे खून में तुम्हें ना खा पाने के अफसोस के साथ अभी और लाश दी है। अजब दे चंद्रसेन जी चुनावी संभालिए अपने आपको। क्या हो गया ये चंद्रसेन जी? आक्रमण हो गया हमारे महल पे। आक्रमण? किसने किया ये आक्रमण? कौन है वो? चंद्रसेन जी वो हाथी में आए थे आक्रमणकारी। क्या राष्ट्रपति? अजब दे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? ये किस कोई है? वैसी को बताइए। कहाँ जाते हैं? कैसे हो गया? राणा जी, हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हम भी आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। महारानी साहब पर प्राणघाती हमला हुआ है। उठिए अमर सिंह जी, उठिए। क्या हुआ बुआ, आप रो क्यों रहे हैं? अमर सिंह जी आपकी माँ साहब। क्या हुआ मेरी माँ को? अमर सिंह जी हमारी भाभी साहब पे किसी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण हमारी माँ पे? माँ आजाते कुछ नहीं होगा आपको। आजाते
अजब दे, कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। अजब माँ क्या हुआ? अजब दे आंखें खोलिए। अमर सिंह जी जाकर वैद्य जी को बुला लाइए। माँ क्या हुआ आप? ये सब कैसे हुआ? हमने कहा जाकर वैद्य जी को बुला लाइए, जाइए। कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे आप बहुत साहसी है, साहस दिखाइए, साहस दिखाइए। मन में ठान लीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैद्य जी, वैद्य जी, कुछ नहीं होगा जब आपको, कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए, हम हैं यहाँ, आंखें खोलिए। वैद्य जी, यदि ये हमारी अजब दे है, हमारे जीवन का सर्वस्व है, ये आपका उत्तरदायित्व है, कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए? हम शीघ्र ही तारे निपटाकर हम वापिस आ रहे हैं। वैद्य जी, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं राणा जी? हम अभी आए। जा कहाँ रहे आप? हटिए आप। अजब दे, आपको कुछ नहीं होगा। अब हम सब आपके साथ हैं अजब दे, कुछ नहीं होगा आपको। बोल कौन है तू? कितने लोग हैं तेरे साथ? किसने भेजा तुझे? राणा जी, हमें लगता है कि आपको मारने के लिए उस काष्ठ हाथी के अंदर भेजा गया था इन सभी को। राणा जी, देखो प्रताप, आगे मत बढ़ना। इस वक्त इसकी जान मेरे हाथ में, इसको मार दूंगा मैं। आगे मत बढ़ना, सचमुच मार दूंगा इसे। मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाने दो। राणा जी, इसमें बारूद हो सकता है, इसमें आग लग सकती है। आपने तो हाथी में जिंदा जलाना चाहता है क्या ये हमें?
राणा जी को सितारे के पीछे जाने से रोकना होगा। रोकिए राणा जी को, ऐसी क्षण जाइए उनके पीछे, शीघ्र अति शीघ्र। पर बहुत बुरी है मियां, अपने फैजल के तमाम चुनिंदा आदमखोर साथी मारे गए। हम तो आपसे बहुत बड़ी खुशी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपने तो बिस्मिल्लाह में ही नाउम्मीद कर दिया। खैर, प्रताप को तो मार दिया ना फैजल ने। अपनी तमाम कोशिशों और सारे साथियों की कुर्बानी के बावजूद भी मेवाड़ का चमचमाता सितारा प्रताप अभी भी अपनी उसी चाहो जलाल के साथ धमक रहा है। आप सब जाके ढूंढिए उसे, इसी क्षण जाइए यहां से। राणा जी, अजब दे आपकी प्रतीक्षा कर रही, संभवतः उनके पास अधिक समय नहीं बचा। राणा जी, निसंदेह आपको पीड़ा होगी,
किंतु इस खंजर का निकालना अत्यावश्यक है। यदि वो किसी को भी मिल गया तो कोई भी उसे मारेगा नहीं। उसे केवल केवल हम ही मारेंगे। अमर सिंह जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप तो कितने साहसी बच्चे हैं, है ना? है कि नहीं? मैं पता नहीं सोचा। अब मैं बहुत दुखी है, बहुत बहुत दुखी। साहसी बच्चे की यही तो पहचान होती है अमर सिंह जी, कि चाहे वो कितने भी दुख में हो, बहुत बहुत दुख में हो, तो भी अपना कर्तव्य निभाना नहीं भूलते। साहस की परीक्षा केवल युद्धभूमि में नहीं, दुख में भी होती है। और इस समय की मांग है कि आप साहस दिखाइए, अपने दुखों को दबाकर। इस समय आपको अपनी मासा के पास होना चाहिए। नहीं, इस समय आपके मासा बहुत कष्ट में, आपके लिए पूछ रही है। आपको उनके लिए अपने आप को दृढ़ बनाना होगा। साहस के साथ आपको उनका कष्ट दुख पीड़ा कम करने का प्रयास करना होगा। बस अमर सिंह जी, बस रोते नहीं है। आपको रोता देखा आपकी मासा को कितनी पीड़ा होगी। बहुत बह चुका है महारानी साह, अब हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं बहन जी, जितना आपसे हो पाया आपने उतना प्रयास किया। आप होती कौन है ये मानने वाले कि इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? सर्वश्रेष्ठ प्रयास तो तब होता जब आप ठीक हो जाती। आप जो भी है यही सत्य है, हम भी जानते हैं। आप भी मत कीजिए ऐसी बुरी बातें भाभी साहब। आपने क्या कहा था हमसे कि आप हमारे हाथ पीले करवाएंगी ना? तो फिर वीर शत्रानी हो कि आप ऐसे कैसे इतने जल्दी अपना वचन तोड़ सकती हैं? चांद बिल्कुल ठीक कह रही है, आप कैसे अपने कर्तव्य को भुला सकती हैं? महारानी हैं आप मेवाड़ की, कल की होने वाली राजमाता हैं आप। आपको अपने कर्तव्य निभाने ही होंगे। अमर सिंह जी, अब आपको बहुत जल्द बड़ा होना है। आपको आपकी दादी राज का ध्यान रखना है, जिसे हमने आपका रखा था। यदि आपने उनका ध्यान नहीं रखा तो कौन देखेगा उन्हें? आपको ये सब करना है अमर सिंह जी। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। राणा जी के कंधे से रक्त बह रहा है, कुछ कीजिए ना। अजब दे, हम आपके लिए अपने रक्त की एक एक बूंद बहाने के लिए तैयार है। आपी ने तो हमें कहा था अजब दे कि आप कितनी भाग्यशाली हैं। अपनों को यह भागा बनाकर कहां जाने की बात कर रही है? राणा जी, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपका प्रेम इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी और इसके बाद के जन्म में भी मिलेगा। याद है ना आपको?
वचन दे। वचन दे? कैसा वचन दे आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कोई वचन नहीं देंगे आपको। राजी, हमारी बात मान लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, वचन दीजिए हमें। फूल को अपनी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। मन से स्वीकार करेंगे। अजबद, 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 अजबद।